इस आइसक्रीम को देखकर गर्मी हो या सर्दी किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, और आएगा भी क्यों नहीं, इतनी फ्लफी और इतनी स्मूथ बनी है। और इसे बनाया हमने सिर्फ कस्टर्ड पाउडर और मिल्क से। इस आइसक्रीम को बनाने का प्रोसेस भी इतना इजी है कि हर कोई इसे बना सकता है। मार्केट में आइसक्रीम लेने जाओ तो इतने महंगे में मिलती है, और बच्चों को तो खानी ही होती है, बच्चों को क्या बड़ों को भी खानी ही होती है। गर्मी में तो सबका ही मन करता है खाने का। इसमें हमने क्या क्या डाला है, मतलब इंग्रेडिएंट सारे कैप्शन में लिखे हुए हैं। कस्टर्ड वाले इस दूध को हमें थिक होने तक पका लेना है, फिर हमें इसे ठंडा कर लेना अच्छी तरह से। और इसे मार्केट वाला टेक्सचर देने के लिए मैंने लिए अमूल फ्रेश क्रीम, इसे शेक कर लेंगे। आप व्हिप्ड क्रीम या फिर घर की मिल्क क्रीम भी ले सकते हैं। अब हमें इसे फ्लफी बनाना है, और इसे फ्लफी बनाने के लिए हम इसके नीचे आइस रख लेंगे जिससे कि जल्दी फ्लफी बन जाएगी। बस इसके बाद हमें इसमें डाल देना कस्टर्ड वाला मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया है। इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये मिक्सचर गर्म होगा तो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल भी फ्लफी नहीं बनेगी, मार्केट जैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। बस इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे, और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बाय बाय।